बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कहा गया है कि आकृति 6.35 में, ये वो आकृति है जो बुक में एक्सरसाइज 6.3 में आपको दी हुई है, त्रिभुज ODC, त्रिभुज ODC यानी कि ये वाले त्रिभुज समरूप है, किसका निशान है, समरूप का, समरूप है त्रिभुज OBA, त्रिभुज OBA के, किस त्रिभुज के समरूप है। और क्या दिया हुआ है, कोण BOC बराबर है 125 डिग्री और कोण CDO बराबर है 70 डिग्री। तो कोण BOC ये 125 डिग्री का है और कोण CDO ये 70 डिग्री का है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB इनका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास दिया हुआ है कि कोण BOC 125 डिग्री है, एक बात। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है कि कोण CDO 70 डिग्री है, CDO 70 डिग्री है। तीसरी बात हमें दे रखा है कि त्रिभुज ODC समरूप है, यहां से हटा देता हूं, वैसे आपको बताने के लिए था कि ये समरूप का निशान है किसके, त्रिभुज OBA की। ये चीजें हमें गिवन है। अब हमें मान ज्ञात करना है DOC का, DOC एक तो ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है, दूसरा DCO एक हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है, और OAB एक हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये तीन एंगल हमें कैलकुलेट करने हैं। अब देखो बारी बारी से देखते हैं। अब देखो ये हमारे पास एक रेखाखंड है और इसमें आप देखें अगर, तो ये हमारे पास ये कंप्लीट दो कोण है इसमें, एक तो ये वाला इधर 125 डिग्री का और एक ये जो हमें कैलकुलेट करना है, तो ये एक रैखिक युग्म हो गया, इसका इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो कोण 125 डिग्री का, कौन सा है ये, कि कोण BOC प्लस, तो ये हो गया, और एक ये है जो हमें कैलकुलेट करना है, कौन सा है ये, कोण DOC, कोण DOC किसके बराबर है 180 डिग्री। कैसे, रेखीय युग्म या फिर रैखिक युग्म। अब कोण BOC का मान 125 डिग्री है प्लस कोण DOC बराबर है 180 डिग्री, तो कोण DOC बराबर है 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कोण DOC इसका मान आ गया हमारे पास, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो एक आंसर आ गया हमारे पास, आंसर फर्स्ट कौन सा, कोण DOC, तो कोण DOC इसका मान हमारे पास कितना आ गया, ये हमारा 55 डिग्री का आ गया। अब हमें एक ये भी निकालना है। अब देखो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए देखो 70 डिग्री हमारा कौन सा है, कोण कोण CDO प्लस ये वाला CDO, कोण CDO प्लस ये वाला जो हमने कैलकुलेट कर लिया है 55 डिग्री का, कौन सा है ये, कोण DOC प्लस एक ये वाला कोण है जो हमें कैलकुलेट करना है, कौन सा कोण है ये हमारे पास, DCO, तो कोण DCO एक इसके बराबर होगा 180 डिग्री के। तो यहां पे हमारे पास CDO कितना है हमारे पास, CDO है हमारे पास 70 डिग्री, DOC ये है हमारे पास 55 डिग्री,
प्लस कोण डी सी ओ बराबर है 180 डिग्री। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 125 डिग्री। यहां पे कर रहे 125 डिग्री प्लस कोण डी सी ओ बराबर है 180 डिग्री। तो कोण डी सी ओ बराबर है 180 माइनस 125 डिग्री। तो कोण डी सी ओ बराबर है हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये है हमारे पास इसका आंसर सेकंड आ जाएगा। तो ये आंसर फर्स्ट था, ये आंसर सेकंड। अब हमारे पास कौन सा तीसरा क्या पूछा है, ओ ए बी। कौन ओ ए बी, कौन ओ ए बी, ये कौन हमें कैलकुलेट करना है, ये कौन हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो दो दो त्रिभुजे समरूप हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, देखो कोण ओ ए ओ, कोण ओ यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये तो हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना है ये वाला। दूसरी बात डी, देखो डी यहां पे है, यानी कि ये ओ डी सी या सी डी ओ कह लो, ये वाला कोण दूसरे नंबर पे जो कोण है, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा बी, यहां पे जो कोण बनेगा इसको ओ बी ए बी कह सकते हो आप, और ए बी ओ बी कह सकते हो, ये भी नहीं हमें निकालना। तीसरा हमारे पास जो है सी, सी यहां पे जो कोण है, तो इस कोण का हमने क्या नाम दिया था, इस कोण का हमने नाम दिया था डी सी ओ। कोण डी सी ओ, कोण जो डी सी ओ है हमारे पास वो किसके बराबर होगा, इस कोण के यहां पे यानी कि इस कोण के ओ ए बी, तो इस कोण के बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण कोण डी सी ओ, डी सी ओ कोण डी सी ओ किसके बराबर होगा, कोण ओ ए बी के। यहां से अब देखो यहां बीच में कौन बनता है ना, सी पे कौन बनता है, यहां पे ए पे कौन बनता है, देखो सी और ए आपस में संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया। अब कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ हमारा कितना है 55 डिग्री, 55 डिग्री है, यानी कि ये ओ ए बी, यानी कि कोण ओ ए बी इसका मान कितना आ गया 55 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर थर्ड। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आप इसको ओरल करना चाहे तो हम इस क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं, हमारे पास दो मान दिए हुए थे, देखो कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ओरल सोल्व करते हैं, हम सारी वैल्यूज निकालते हैं। हमारे पास दो मान दिए हुए थे, एक तो 70 डिग्री और एक 125 डिग्री। अब आप देखिए कि ये 125 डिग्री है तो ये हमारे पास 55 डिग्री होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है। ये 55 डिग्री है, तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, तो ये हमारे पास 55 डिग्री हो गया, तो ये 55 डिग्री हो गया। अब इसके सम्मुख कोण, शीर्षन्मुख कोण ये है, तो ये हमारे पास 55 डिग्री हो गया, तो 55 डिग्री हो गया हमारे पास। अब उसने ये बता दिया है कि ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो संगत कोण बराबर होंगे, तो ओ ओ के बराबर होगा और डी बी के बराबर होगा, डी यहां पे बना हुआ है, बी यहां पे बना हुआ है, तो ये 70 है, तो ये भी 70 होगा, और सी ए के बराबर होगा, ए यहां पे बना है, सी यहां पे, सी 55 है, तो ए भी हमारा कितना होगा 55 होगा। तो इस तरह से आप कोई सा भी कोण निकाल सकते हैं, ओरल भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये 125 डिग्री का है, तो ये इधर भी शीर्षन्मुख कोण के हिसाब से 125 डिग्री होगा। तो कोई सा भी कोण पूछ रहे आप, बड़ी आसानी से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं।